पकड़ कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे किस तरह से जीना है अब मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। अब मैं बच्चों की परवरिश में माहौल के किरदार के मौजू पे मोहम्मद बिलाल को दावा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदर जी वकार, मोहतरम सामईन हाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मौजूए गुफ्तगु है माहौल और बच्चे की नशोनुमा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद करामी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और मजहब इस्लाम हुर्रियत आजादी मसावात और अदल इंसाफ के माहौल का आलमबरदार है। जनाबे सदर शरीफ कौमे अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को ऐसा माहौल मुहैया करती है जिससे परवरिश पाने वाले बच्चे शराफत और मतानत का पैकर होते हैं, वो सरदार होकर भी कौम का खादिम कहलाना पसंद करते हैं। यह टीसी माहौल बच्चे को खुदगर्ज और मुतकब्बिर बना देता है। खुदगर्जाना और गुलामाना माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे गैरत और हमियत से आरी रह जाते हैं और मौका मिले तो डॉलर लेकर कौम की इज्जत और नामूस को सरेआम नीलाम कर देते हैं। नाबीना जन्म लेते हैं, नाबीना जन्म लेते हैं उस कौम के बच्चे, नाबीना जन्म लेते हैं उस कौम के बच्चे जो कौम दिया करती है तावान में आके। सामईन मोहतरम, हजरत अली बाबुल इल्म करमल्लाह वजहु का कौल है कि माशरे कुफर के माहौल में तो जिंदा रह सकते हैं लेकिन जुल्म के माहौल में बाकी नहीं रहते। जुल्म का नमूना फिरौन था, मिट गया। दहशत का निशान नमरूद था, गर्क हो गया। जहालत का दाई अबू जहल था, किसे पारी ना बन गया। और बर्बरियत की दास्तान यजीद था, लानती हो गया। जी हां सामईन, लानती हो गया। सामईन मोहतरम, आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, यह हकीकत मुसलिमा है कि जालमाना माहौल बच्चे के जौहर को दबा देता है, गैर मुतवाज़न माहौल बर्बरियत को हवा देता है। सदर जी वकार, मौजूदा माहौल में पलने वाले पाकिस्तानी बच्चे ये पूछने का हक रखते हैं कि लामयाद रोशन ख्याली के रूप में बेहयाई को फरोग क्यों मिल रहा है, शाहराएं धुएं से आलूदा क्यों है, गलियां गर्दो गुबार में अटी क्यों है, मुफलिस के घर में अंधेरे क्यों है, हर तरफ लाकानूनियत के डेरे क्यों है, मुल्क का आईन तार तार क्यों है और इंसाफ देने वाला चीफ जस्टिस खुद ही जुल्म का शिकार क्यों है, खुद ही जुल्म का शिकार क्यों है। सामईन मोहतरम, वालदैन के तौर तरीके, असातिज़ा के सलीके, अपराधे खाना की गुफ्तार और बड़े बड़े रहनुमाओं का किरदार, ये सब मिलकर माशरे का माहौल तरतीब देते हैं। जी हाँ सामईन, माशरे का माहौल तरतीब देते हैं। माँ अगर बच्चे को सच का दर्स दे तो बड़े होकर अब्दुल कादिर जलानी कराते हैं, उनको सुनाते वक्त कुरान मजीद की तिलावत करें तो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस जैसे 7 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं। माँ अगर बच्चे को सच का दर्स दे तो बड़े होकर अब्दुल कादिर जलानी कहलाते हैं। इंसाफ पसंदी और असूल परस्ती गुट्टी में मिले तो कायद आजम बनते हैं। मीर हसन जैसे असातिज़ा के नक्शे पा से इकबाल बनते हैं। जिनाबे सदर, पराकंदा घरानों के दलानों से किश्ती पलल को बरामद हो सकते हैं, कभी रूहुल्लाह खुमैनी नहीं मिल सकते, कभी रूहुल्लाह खुमैनी नहीं मिल सकते। और गुलामाना मुआशरों की कौम से नंगे मिल्लत, नंगे दीन मीर जाफर और मीर सादिक को जन्म ले सकते हैं, कभी टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो सकते। जिनाबे सदर, हर इंसान मुरक्का है, जिस्म और रूह का, सिर्फ जिस्म की नशोनुमा हैवानियत पैदा कर देती है जबकि रूहानी फिजा इसे इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। हैवानियत के माहौल में बेगावली, हिटलर और हराकू खान जैसे शख्स निकलते हैं जबकि रूह पर फिजा में हजरत बिल्लाल, हैदर कर्रार और मोहम्मद बिन कासिम परवान चढ़ते हैं। अजीज साथियों, आओ असूल तय कर लें, आओ असूल तय कर लें, क्या यारानम माहौल को सच्चाई और ईमानदारी में बदल देना है, नफरत की जंजीरें तोड़कर इंसान को मोहब्बत की माला में पिरोना है, रोशन ख्याली की बजाय रोशन जमीरी का माहौल अपनाना है, कांटों की दरें हटाकर फूलों के सेन को बिछाना है। जी हां सामईन, फूलों के सेन को बिछाना है। मुझे यकीन है कि पाक और पाकीज़ा माहौल से ही इकबाल के शाहीन जन्म लेते हैं और इसी माहौल से ही असूरों के पाबंद निकलते हैं और इसी माहौल से ही कौम को मोहसिन पाकिस्तान कदीर खान मिलेंगे, इसी माहौल से ही कौम को मोहसिन पाकिस्तान कदीर खान मिलेंगे। आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पार हो जाएगी। वमा अलीना इल्ला बिललाह।